नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। इन दिनों हर जगह इलेक्शंस की बात होती हुई नज़र आएगी और इलेक्शन के साथ साथ बात की जाती है डेवलपमेंट की। NH1 न्यूज़ की जो टीम है उसकी हर बार यही कोशिश रहती है कि हर शहर और हर गांव की खबर जो है वो आप तक पहुँचाए। इसी तरह की जो आज खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो भी एक ऐसे गाँव की है जहाँ पर जब इलेक्शंस का टाइम था तो जो पार्टीज के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जाकर उन लोगों को काफ़ी आश्वासन दिए कि आपके गांव की डेवलपमेंट की जाएगी। लेकिन आज जब हमारी टीम जो है उस गांव में पहुंची तो हालात कैसे थे हम आपको अपनी इस पूरी रिपोर्ट में दिखाएंगे। तो खबर जो है वो जम्मू के भलवाल ब्लॉक की है। वहाँ की सड़क की इतनी बुरी हालत है कि आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से टूटी और कच्ची सड़क है। वहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि उनका कहना है कि लोग यहाँ पर अपनी बेटियों की शादी तक नहीं करवाना चाहते, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी चलाना तो दूर, वहाँ पर आप पैदल चलने में भी आपको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा कि वहाँ पर सिर्फ मिट्टी आपको दिखेगी और सिर्फ गड्ढे जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और इनका कहना है कि जब वोट्स जो हैं वो डालने की बारी आती है तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो यहाँ पर आके उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम आपके यहाँ पर सड़कें बनवाएंगे, लेकिन आज तक यहाँ पर पिछले 10 साल से यहाँ पर जो सड़क पर ब्लैक टॉपिंग नहीं की गई। अब ब्लाक भलवाल तो गाँव पिंड पखियाँ ये पिंड हाड़ा, इतों एक रोड निकलता मेन रोड तो चिड़ी रोड पर, और अज तक ये रोड बने 10 साल हो गए, इतना कोई गवर्नमेंट का एक रुपया भी जो कोई आखा वो नहीं लग्या। तो अ चाहते हाँ कि कोई भी MLA जी तय या कोई लीडर पहला सब तो एक पिंड जी सड़क है ये बनाई जा जी सारे जनरल लोगों तक काम आती है। अगर जनरल ही काम नहीं होगा तो लोगों बेचारे के करना गरीबें, ये बड़ी परेशानी इन्नी है कि खड्डे बच्चे दिख लो तो रोड की हालत बेचारे मोटरसाइकिल स्कूटर गड्डिया ही आ रहे हैं, बड़े बड़े खड्डे पे कच्चा रोड, तो सरकार किश भी नहीं करा करती। लोग आए बड़े डिवेलपमेंट होती BJP गौरमेंट कांग्रेसी गौरमेंट इतने कोई लगती नहीं है डिवेलपमेंट अज तक। भाई जी गुजारिश है रोड बनाया जा सारी लीडरें कहना भी। मैं इस पक्षियों तो राकेश कुमार जी बोल रहे हैं। सर मेरा कहना मतलब कि भलवाल ब्लाक जोड़ा बन साढ़ा पक्षियाँ पिंड है, साढ़े रोड की बड़ी ही बुरी हालत है। सर तुम रोड दिखो कि कोई अगर कोई गड्डी आती है वह डिग्गा दा, अगर कोई स्कूटी आती वह डिग्गा दा। सर अस सरकार कन्नै इयै गुजारिश करने कि कोई भी जीता अस वोट देने तैयार हाँ, कैंडिडेट बनाने तैयार हाँ, लेकिन हमारा साढ़ा काम भी होना चाहिए। अज तू 10 साल पहला तुम दिखो एक बारी लुक पई ही तो बहुत राज और काम करवाया हा, नुहाड़े बाद सर इन्नी बुरी हालत है इस रोड की, कोई भी आता जाता कुहा ना कोई, अजकल इस पिंड कोई रिश्ता करिए राजी नहीं है महाराज, इन्ना रोड खराब है साढ़ा। सर अस इयै चाहते हैं कि साढ़ा रोड बने और दिखो तुम गड्डी हालत, सर गड्डी देखो कि आवा दी है, अगर कुछ ने दूई गड्डी निकली है सर वो कि कटनी है। सर बड़ी बुरी हालत है इस रोड की, अस इयै चाहते हैं कि ये रोड बनाया जाए और अस वोट देने तैयार हैं। सर पखिया से झिड़ी तक की सड़क की हालत आपने देखी कि वहाँ के लोग किस खस्ता हालत में जो है जी रहे हैं, वहाँ की सड़कों की हालत कितनी खस्ता है। अब इन लोगों की यही मांग है कि सरकार और नेता लोग जो हैं वो आकर इनकी बात सुने, इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं, कम से कम एक सड़क जो है उन्हें बनवा दी जाए जो कि पिछले 10 साल से जिस पर किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। आने वाली DTC इलेक्शंस में इसी के बेसिस पर ये लोग जो हैं अपने कीमती मत देने वाले हैं। इसी तरह की अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए NH1 न्यूज़।